नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स के एक और एक्साइटिंग वीडियो में मेरे सारे सब्सक्राइबर और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमने इधर जो भी हमारी वीडियोस गई हैं उसमें एक मैसेज बड़ा कॉमन हम लोग को आ रहा था, मिल्किंग मशीन का वीडियो बना दीजिए, मिल्किंग मशीन कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सा सही है नहीं है वो बताइए। देखिए, सही और गलत मिल्किंग मशीन के लिए कुछ होता नहीं है। सारी मशीन्स जो हैं एक तरीके से मिल्किंग प्रोसेस को करती हैं, जो वैक्यूम प्रोसेस है उसके थ्रू करती हैं। हमारे यहाँ जो है हम लोग वैनसून का यूज़ करते हैं। जो हम लोग का है वो 3 HP मोटर है। 3 HP मोटर है नाराना जी? जी जी जी, 3 HP का मोटर है और वो जो है वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड वाला है। हमने ये जो खरीदा था ये 81,000 या 82,000 का, 2 बकेट के साथ हमने इसको परचेज किया था। और ये देखिए हमारे यहाँ जो है इसका टिप एंड जो है मेन वो यहाँ मशीन लगा हुआ है। ये मशीन है, यहाँ से स्विच है, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे ये ऑन हो जाता है, ये बंद हो जाता है। इसमें गोदरेज का 3 HP का मोटर लगा हुआ है। नीचे वैक्यूम के लिए वो वैक्यूम सिलेंडर है, साथ में ये LNT का इसने स्विच इसमें दे रखा है। और फिर ये ऐसे ये वैक्यूम जो है इस पाइप के थ्रू, ये जो अपना पाइप है इसके थ्रू इसका वैक्यूम क्रिएट होकर के बाहर की ओर जाता है, जो अपना मिल्किंग एरिया है। ये देखिए, ये यहाँ रूम से बाहर आ गया, इधर आकर के फिर ये यहाँ पर इसमें 3 पॉइंट हम लोग अभी लगाए हैं। एक पॉइंट अपना ये है जो कि खराब हो गया, टूट गया इसका नॉब, तो नॉब लगवाना है इसमें नया। और एक ये है और एक फिर इधर है। तो 3 पॉइंट से हम लोग मिल्किंग करते हैं। ये आपका ओपन करने पे इसमें से जो है ये वैक्यूम जो है इस पाइप के थ्रू आपके मिल्किंग बकेट में जाता है। ये आपका पाइप हुआ, ये जो पाइप है ये भी फूड ग्रेड पाइप है, वानसून अपने खुद मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद ये अपना मिल्किंग बकेट है इसका, वैक्यूम का। ये अपना वैक्यूम का मिल्किंग बकेट है, 2 बकेट है। ये हमारा एक हमने मिल्किंग मशीन जो है चलता फिरता मिल्किंग मशीन लिया था उसका बकेट है, वो भी हमने 32,000 या 35,000 में खरीदा था। ये वाला मिल्किंग मशीन का बकेट और मिल्किंग मशीन हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये जो है डेयरी सुविधा करके मनीष इंटरप्राइजेस से हमने लिया था, उनका मशीन है, 35,000 में हमने खरीदा था उस समय। और ये अभी हम लोग जो भी, अगर आप लोग कोई भी किन्हीं को भी खरीदना होगा तो ये लुढ़काने वाला मशीन है, मतलब जो मूवेबल होता है वो वाला, तो आप ले सकते हैं। हमारे हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा जो है चंद्रा जी हैं उनका हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख करके उनसे बात कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। बाकी ये 2 बकेट अभी अपने पास है, ये पूरा आपका मिल्किंग का है। इसमें आप, इसमें मेस्टाइटिस देखने के लिए होता है, अगर किसी तरीके का इसमें आता है जाली में, ये जाली बाहर निकल जाती है, ये जाली ऐसे करके बाहर निकल जाता है। इसमें मिल्क में अगर आपके किसी तरीके का कचरा आ रहा है या गाय को थनैला हुआ है तो उसका जो मोटा पार्टिकल है वो इसमें आके अटक जाएगा, दूध इसी से पास होता है। ये पता, इसमें ये पूरा मिल्क वाला है आपका, ठीक है। इसकी सफाई करने के लिए उसके साथ में जो है सफाई वाला देंगे, बड़ा वाला छोटा वाला। ये देखिए, ये सफाई के लिए छोटा इसके लिए, और ये इससे इसको साफ किया जाता है, इसमें अंदर डाल के पूरा अंदर जाता है, घुमा करके साफ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एंड टॉप के लिए। साइज भी आप इसका देखिएगा तो पूरा वही साइज है, ठीक है। और ये जो है ये पाइप साफ करने के लिए होता है, इससे आप इसका पाइप साफ कर सकते हैं। ये जो है ये वाला पाइप, ये भी जितनी लंबाई है उतना आप दोनों साइड से एक एक बार निकाल करके लगा के साफ करते हैं। और ये अभी हम लोग के पास 2 बकेट है, इसमें अप टू 3 बकेट्स 4 बकेट्स तक आप इसमें जो है एक बार के में मिल्किंग कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको 3 से 4 बार मिल्किंग, अभी हमारे पास चूंकि उतनी गाय मिल्किंग में नहीं है, 10-12 ही हैं, तो हमारे पास एक ही बकेट से काम चल जाता है। एक बकेट से भी हम लोग करते हैं तो 40-45 मिनट में हमारी सारी गाय मिल्क हो जाती है। तो यही मिल्किंग मशीन है, वैनसून का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप डिलेवल का भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं, डेयरी सुविधा से भी खरीद सकते हैं। जो पटना बिहार के, मतलब जिन लोग का बिहार में डेयरी है, वो डेयरी सुविधा है एक मनीष इंटरप्राइजेस करके, वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। उनके पास अपना बनाया हुआ मिल्किंग मशीन है, सस्ता पड़ता है,
वैनसून का लेंगे तो वही चीज़ 45-46 हज़ार का पड़ेगा, उनका उनसे लेंगे तो 33-34-35 हज़ार में काम हो जाता है। तो यही सब है। और इसको जो है हम लोग जो है हर दूसरे तीसरे दिन ये पूरा खोल के सफाई करके इसको धूप में रख दिया जाता है खटिया पे बिछा के, ये सूख जाए बढ़िया से और तब फिर इसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें क्या है किसी तरीके की गंदगी वंदगी नहीं रहता है और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होता है, दूध फटने उठने वाला प्रॉब्लम अपने यहाँ नहीं होता है। तो ये वीडियो इसी पे था, मिल्किंग मशीन हम क्या इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो हमारा जो बड़ा वाला शेड का है उसका भूमि पूजन हम लोग कर चुके हैं 10 तारीख को, और उसमें उसका लोहा का वगैरह सारा शेड वगैरह हम लोग का लोहा दे दिया गया है, लोहा बिल्डिंग वगैरह के लिए वो प्रोसेस में है चीज़। तो वहाँ पर हम लोग जब जाएंगे तो हमारा मिल्किंग पार्लर लग जाएगा, वहाँ पार्लर होगा और वहाँ जो है मिल्किंग मशीन से डायरेक्टली दूध सीधे हमारे BMC में चली जाएगी। तो पूरा लंबा चौड़ा मतलब उसमें हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे। तो यही चीज़ थी बताने के लिए अभी फ़िलहाल आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग मिल्किंग मशीन के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए हैं, और अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है तो आप मैसेज में क्वेरी डालिए, हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर जवाब दे पाएंगे तो ज़रूर उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये वीडियो यहीं तक है, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं उतनी स्पीड से, और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक हमारा जो है बिहार में जो हम लोग फार्मिंग में रेवोल्यूशन लाने के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बातें पहुँचे, लोग हमारी बात को समझ करके अपने यहाँ भी ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद।